नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग के अफसरों ने हफ्ता न मिलने पर व्यापारी को किया मारपीट, घायल हालात में चल रही है इलाज। पथारखंड विधानसभा केंद्र के सोनाखेड़ा पुलिस चेक गेट में आगर किया गया जब्त, फरार हुए व्यापारी। विष्णुप्रिया मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन के मांग पर संगठन कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल रैली। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। पथारखंडी कॉलेज के जाने माने अध्यापक डॉक्टर मंजूर हक को दिया गया संवर्धना। लोगों में छाई खुशी की माहौल। धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजन को लेकर पूरे देश में छाई हुई है खुशी की माहौल। सामानों की कीमतें आसमान छूने पर ग्राहक झेल रहे हैं परेशान। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में कानून उल्लंघन किए जाने पर असम की जमीन गया मिजोरम की हिरासत में। उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं की बातचीत हुई बेकार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आबकारी विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बराघाट के विभिन्न ढाबे से पैसे वसूली के आरोप लग रहे हैं। हालांकि खुलेआम कोई सामने आकर तो नहीं कह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही वारदात के चलते धुलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में आबकारी कर्मी व अफसरों के मारपीट की वजह से इस दिन रंजीत ग्वाला नाम के 30 वर्षीय युवक घायल हो गया। सूत्र के अनुसार इलाके में कई ढाबे चल रहे हैं, लेकिन हर हफ्ते इससे वसूली की जा रही है। लोगों का ये भी आरोप है कि इस क्षेत्र में आबकारी विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कमिश्नर व दूसरे हस्तगण भी जुड़े हुए हैं। उच्च स्तरीय विभागीय कार्यकर्ताओं के पास संदर्भ में जानकारी भी दिया गया है। हालांकि आबकारी मंत्री परिमल शुक्लवैद्य को इस संदर्भ में स्मारक लिपि के साथ साथ जानकारी भी दिया गया, कड़ी कार्रवाई होने के आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन पूरे बराघाटी में ऐसे आबकारी विभाग के जो लापरवाही मूलक गतिविधि चल रही है, इस पर लगाम कौन डालेगा, यही देखने की बात है। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते धुलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में रंजीत ग्वाला नाम के 33 वर्षीय युवक को मारपीट किया गया। हालांकि इस क्षेत्र में रात के वक्त सिलचर आईजीएल 154 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के येलो मिर्ची ढाबे में आबकारी विभाग के कार्यकर्ताओं ने दिन धावा बोला। धावे के दौरान कुछ लोगों को जब्त किया गया, उन्हें मारपीट भी किया गया। हालांकि तभी कुछ लोग खाना भी खा रहे थे। बेरहमी से मारे जाने पर इस दिन रंजीत ग्वाला बुरी तरह घायल हो गए। सूत्र के अनुसार हर महीने उन्हें यानी आबकारी विभाग के कार्यकर्ताओं को ढाबे की ओर से 5,000 रुपये की आर्थिक अनुदान दिया जाता है। कभी कभी ये हफ्ता में भी बदल जाता है। बहरहाल पैसे लेने के बाद भी आबकारी विभाग के कार्यकर्ता क्यों ऐसे मारपीट पर उतर आए हैं, इस बात पर कई सवाल या निशान है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि येलो मिर्ची ढाबे के कर्णधार ने आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी हासिल किए जाने के लिए एक पिटीशन दिया था, जिसके चलते उसे वापस पिटीशन लिए जाने का दबाव डाला गया था। इसी दौरान रात को कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह सोच समझकर इस ढाबे के मालिक पर हमला बोला गया। बहरहाल इस संदर्भ में सोनाई थाने में एक FIR दर्ज कर दिया गया है। FIR में जब्त किए गए जो नाम है, इस पर लोग काफ़ी सवालिया निशान लगा रहे हैं। कई आरोपियों के नाम इसमें जुटे हुए हैं, खासकर कृपेश पाल, सपन दास, अलक शंकर दास, राजीव दास, पंकज दास, मधुसूदन दास, चंद्रशेखर सिलकार, अरविंद भट्टाचार्य, एक्साइज इंस्पेक्टर किशोर गोगोई पर भी कई आरोप लग रहे हैं। सोनाई थाने में दर्ज किए गए रजिस्टर केस नंबर 224/20 बताया जा रहा है। जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया तो बृहत्तर आंदोलन की धुलाई क्षेत्र के लोग चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट बार, तीसा बार व दूसरे कई और शराब के दुकान यूं ही खुलेआम चल रहे हैं और आबकारी विभाग हर महीने तथा हर हफ्ते कई क्षेत्र से पैसे की वसूली में जुटा हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में मंत्री खुद का ही अपने क्षेत्र बताते हैं, लेकिन मंत्री की आंखों में धूल झोंक कर ये लोग
यानी आबकारी विभाग के कार्यकर्ता ऐसे पैसे वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के कई ढाबे के मालिकों ने इस संदर्भ में कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे हैं। हल्ला चित्कार यहाँ से हुआ मारपीट, मैं दुकान से अपना देख रहा हूँ, मैं दुकान में कोई था नहीं, मैं अकेले था, इसीलिए मेरा साथ में मुल्ला सामान ले रहा था और दूध चाय पत्ती और चीनी लिया है। लेने के बाद में दौड़ के गया भतीजा बचाओ बचाओ बोल के मेरे को, तो मैं क्या करूँ, कोलगेट वोलगेट लगा के उसको शरीर में बोला हूँ, गाड़ी यहाँ रहते क्यों नहीं मेरे को बोला, गाड़ी छोड़ के फटाफट भाग गया गाड़ी लेके उन लोग। अरे हम लोग कोलगेट वोलगेट लगा फटाफट हम गाड़ी में बोला उठ के मेडिकल जाओ, चिकित्सा करो हॉस्पिटल में जाके, और क्या करना है। किसने मारा देखा आपने? सही था आंदोलन करा लागो ना बोले तो ये ना बार बार यकम है, এটা তো লাইসেন্স আগে পয়সা দেওয়া, এটা তো 1 লাখ টাকা মারি খাই নিল লাইসেন্স সবের আগে, এটা তো লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই, আর বাদে যারা অ্যাপ্লাই করছে এরা লাইসেন্স পাই গেল, আগের ইয়েরটা পাইল না লাইসেন্স দিয়ে কি মার, মোট আমি পাইছি না, এখন তো খালি ইয়েও গেছে আর খানি জানি এইগুলা গেছে, মাংস সাংস এইগুলা গেছে, একটু খরচ কিনা দেয় আর এসে দেখা যায় না, আর চিৎকার শোনা যায়, শিক্ষা মানে গাড়ি উড়ি দেখছি দুই তিনটে গাড়ি এনে ভাড়া হয়েছে, এতে যে খালি বড় হলে আওয়াজ শোনা যায়, দেখা আইলাম দৌড়ি আই দেখে খালি পুলিশ উলিশ আর খালি হে কো বাঁচাও বাঁচাও হইয়া, হেসে আমি তার দোকানের তার এখানে দোকানে একটা আসলো, যে দোকান থেকে খরচ করিয়া বললাম দেখো ভাই এটা ঝগড়া হয়ে গেছে যাচাই তুমি, তুমি কি তার দোকানে স্টাফ নি? वजह से इतना मारा गया, अभी तो उसमें ऐसा है क्या इलीगल या कुछ ऐसा कुछ है क्या, तभी तो मुझे इतना हैरेसमेंट कर रहे हैं, सही इलीगल दिया गया है या कोई किसी का और आदमी का है, मंत्री का आदमी का है इसलिए उसको दे दिया गया, और मैं एक आम आदमी हूँ, एक सर्विस मैन थे मेरे पिताजी, उन्होंने अप्लाई किया 2018 में लेकिन उनको नहीं दिया गया, मुझे बोला था उन्होंने, सुपरिटेंडेंट ने भी बोला था, गोगोई सर सरकार सर जिस दिन मैं अटैच लेने गया था, जिस दिन मतलब उन्होंने रजिस्ट्री कॉपी जब देने गया था। करीम जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के सोनाखेड़ा चेक पोस्ट में पुलिस प्रशासन ने वैगनर गाड़ी का सामना करते हुए उसे धर दबोचा और उससे बड़े पैमाने पर आगर की लकड़ी जब्त किया। हालांकि पुलिस की धावा बोले जाने के दौरान वाहन को बीच सड़क में छोड़कर ही वाहन पर सवार लोग फरार हो गए। गौरतलब है कि अगरतला त्रिपुरा व आसपास के कई क्षेत्र में आगर के बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहे हैं, छोटे बड़े करीब 15,000 लोग इस क्षेत्र में इस आगर तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अक्सर धावा बोलती है, लोगों को पकड़ती है और सामान भी जब्त करती है, लेकिन मिलीभगत के चलते इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आगर के काले कारोबार जोरों पर चल रहे हैं। बहरहाल इस संदर्भ में देश की जो राजस्व है उसे खोना पड़ रहा है और पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर जुटते हुए कुछ लोगों को जब्त भी कर रहा है। इस संदर्भ में पथारखंडी के ओसी तनवीर अहमद कड़ी कार्रवाई पर उतरा है। असम त्रिपुरा सीमांतवर्ती क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई इस संदर्भ में की जा रही है। গাড়ির পৰা বস্তু ধৰিছোঁ, আমি মানে ৰুটিন চেকিং চলি কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মানে বিয়াৰ গাড়ী আহিছিলে, বিয়াৰ গাড়ীকেইটা মানে চাইছোঁ, চোৱাৰ পিছত মানে ৰেডি আছে এটা তাকে চাই চাই, তাৰপিছত এইটো গাড়ী মানে অভিযোগ গাড়ী এটা মানে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে গাড়ীটো কিবা এটা গাড়ী এটা আহি আছে, এইটো অলপ চেক কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে, তেতিয়া এইটো গাড়ী আমি পাইছোঁ, পোৱাৰ পিছত ৰখাওঁতে ড্ৰাইভাৰ আমাৰ মানে গাড়ী খুলি মানে পলাই গ'ল, তাৰপিছত গাড়ীটো মানে আমি গৈ চাইছোঁ, গাড়ীটোৰ ভিতৰত মানে পাইছোঁ আমি আগত, তারপর আমি আমার অসি স্যারক ফোন করেছিল, তনবীর স্যারক ফোন করে আমি জানাই দিছি, জানাই দেওয়ার পিছত অসি স্যারে ফরেস্টক জানাই দিলে, ফরেস্ট আহি গাড়িটা লই গেল। কিমান কিমান মাল আসলে, মাল আসলে ডাঙর ডাঙর ব্যাগ আসলে 7টা, আর সিমেন্টের বস্তা আসলে 3টা, আর প্যাকেটিং আসলে 2টা, টোটাল আসলে 12টা, এটা 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 ব্যাগ 30-35 কেজি মান হব। গোটেখিনি লগালে বাজার মূল্য কিমান হব? 3 লক্ষ 3.5 লক্ষ তেনেকুৱা হব। আজি এই বস্তুখিনি লৈ কত গৈছে? এটা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন কিয়ে জানে কে মাংগ পর সংগঠন কার্যকর্তাও নে মশাল মিছিল নিকালা। গৌরতলব হ্যায় কি পিছলে দিনো আয়োজিত ইস কার্যক্রম মে বড়ে পৈমানে পর লোগো নে উৎসাহ কে সাথ যোগদান দিয়া। পিছলে কই বর্ষো সে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার কে সমক্ষ বিএমডিসি আনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন কিয়ে জানে কে মাংগ পর সংগঠন কার্যকর্তাগণ আপনা मांग रखते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर राजनेता चुनाव के दौरान ही केवल आश्वासन देते हैं और बाद में ये लोग अपने आश्वासन से हट जाते हैं।
कुछ ऐसे ही कार्रवाई के चलते इन दिनों संस्थान कार्यकर्ता बेहद नाराजगी के माहौल में जी रहे हैं। संस्थान कार्यकर्ताओं ने बाराघाटी के साथ साथ असम राज्य के कई क्षेत्र में अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर तथा पृथक काउंसिल गठन किए जाने के मांग पर विक्षोभ जुलूस निकाला। हाथों में मशाल लेकर गांव के साथ साथ शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता गोपीदास सिन्हा ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। शीतकालीन अधिवेशन অটোনমাস কাউন্সিল ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে করতে হবে করতে হবে অন্যথায় সংগ্রাম চলছে চলবে 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 ছাত্র ইউনিয়ন জিন্দাবাদ 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 কোন সংগ্রাম জিন্দাবাদ 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 ডিমান্ড কমিটি জিন্দাবাদ 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 সুপ্রিয় মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 অটোনমাস কাউন্সিল জিন্দাবাদ 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 হিন্দিতে গেলে ভালো আছে। আজ আসাম মে विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल के दावी से मशाल मिसिल हो रहा है। विष्णुप्रिया मणिपुरी असम का ओबीसी कम्युनिटी का है। ओबीसी कम्युनिटी होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी लिस्ट में विष्णुप्रिया मणिपुरी का नाम बहुत दिन से दावी करने का बावजूद भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी बहुत दुखद है। आज विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड कमेटी के तरफ से विष्णुप्रिया मणिपुरी इलाका में 80 जगह पे समग्र असम में ये मशाल मिसिल हो रहा है, क्योंकि ये विधानसभा का असम विधानसभा का आने वाला शीतकालीन अधिवेशन में विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल डिमांड का बिल असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? हम लोग का मुख्य मुद्दा है असम में ये विधानसभा इलेक्शन जो आने वाला है उसके पहले विष्णुप्रिया मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल हम लोगों को मांग पूरा करना होगा, ये घोषित करना पड़ेगा। ठीक। पथारकंडी कॉलेज के जाने माने अध्यापक डॉक्टर मंजूर हक को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। अनुष्ठानिक तौर पर भाव गंभीर वातावरण में जादूश्री हिरण कुमार उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। बाराघाटी के सीनियर जादूकर हिरणमय सूत्रधर ने उन्हें जादूश्री हिरण कुमार उपाधि से सम्मानित किया। गौरतलब है कि शिक्षा के विकास के साथ साथ समाज के विकास तथा खासकर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि स्वर्गीय अध्यापक डॉक्टर कमरुल हक के स्मरण में कई पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। अपने वक्तव्य में इस दिन सीनियर जादूकर हिरणमय सूत्रधर ने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा के विकास में कमरुल हक अपने जीवन समर्पित किए थे, अगर वे लोग अब तक रहते तो शायद बाराघाट का रूपरेखा कुछ और होता। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। बाद में अपने वक्तव्य में अध्यापक डॉक्टर मंजूर हक ने कहा कि कॉलेज के उन्नयन की दिशा दिए जाने के क्षेत्र में सभी का सहयोगिता जरूरी है और इस संदर्भ में हर प्रकार की सहयोगिता वे बरकरार रखेंगे। संवर्धना प्रदान कार्यक्रम में केंद्रीय साधारण संपादक HM आमिर हुसैन, शांति रानी दास, रजत दास, सेलुकर, कानूदेव, सामी मुद्दीन, आशीष देव, भाष्कर चक्रवर्ती व दूसरे हस्तिकर मौजूद थे। गौरतलब है कि दिन के कार्यक्रम में सर्वधर्म समन्वय समिति के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। साल भर के इंतजार के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजन कार्यक्रम बाराघाटी में जोरों शोरों के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। बाराघाटी के विभिन्न बाजारों में जहां लोग प्रतिमा खरीदने में जुटते देखे गए, तो इसी दौरान बाजार में रोजमर्रा के सामानों की कीमत बड़े पैमाने पर बढ़ जाने पर लोगों में परेशानी भी देखने को मिल रही है। कई क्षेत्र में पूजा से जुड़े कई सामानों की कीमत
ऊंची से ऊंची कगार पर पहुंच जाने पर ग्राहक बुरी तरह परेशान है। हालांकि सरबराह परिसेवा भी कई क्षेत्र में ठप पड़ा हुआ है। गांव के जो सप्ताह है वे शहर तक आने में उन्हें परेशानी हो रही है। और तो और कई क्षेत्र में खरीदारी के लिए रोजमर्रे के सामान, आहार तथा पूजा सामग्री को लेकर भी आम जनता परेशान है। हालांकि बाजार के कई क्षेत्र में जो सामान मिल रहे हैं उसकी कीमत लगभग आसमान छू रहा है। बहरहाल इस परेशानी को लेकर भी लोग जी रहे हैं और धन देवी माता लक्ष्मी के पूजन में जुटने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा बाजार की रकम हुई? अच्छा, लक्ष्मी पूजा बाजार की रकम आज के मैंने सकाल तक एकदम खूब भीड़ था। तेरे कस्टमर में दिया कर भेजा ना, जो एक बार कस्टमर नहीं देना खाली बोला था पक्का। हां बच्चे मोटा मोटी तो रेगुलर जरम सेल है रकम मैंने पूजा एकटा जे मैंने भीड़ नहीं था। कोनो पूजा आकर्षण में एकटा ये भीड़ नहीं, कोनो भीड़ नहीं। बस रे बस आपल 80 টাকা বিক্রি হচ্ছে किलो किलो बस 12টা এতে হলো 60 টাকা কিলো বিক্রি হয় বড় বাজারে। বড় বাজারে 60 টাকা গেলে আপনারা সবাই জানেন ফাস্ট 60 টাকা গেলে বড় বাজারে আপেল লস অনেক লস। এই বছর সত্যি আপেলের কম দাম আর কি 60 টাকা কিলো একদম সবে কাস্টমার 60 টাকা গেলে বড় বাজারে আপেল তো বুঝায় তো মানে মানে কাস্টমার এরকম এসে জানেই না একদম খালি কোনো ভিড় নেই। আপনাদের কি লাগছে মানে বাজারটা খারাপ লাগছে? খুব খারাপ বাজার আমাদের মাল দেখুন না, এখন স্টক আছে 25 টাকা, কাস্টমার যেরকম সকাল থেকে বাইর দিয়েছে এরকম থাকে। ঠিক আছে, বাজার খারাপ আছে। ফল ফসল একটু একটু ছিল, একটু একটু ছিল, বাজার খারাপ হয়েছে। হ্যাঁ দাদা, খারাপ হয়েছে। লক্ষ্মী পূজার বাজার কীরকম? লক্ষ্মী বাজার খারাপ খারাপ একটু সেই না, মোটামুটি মোটামুটি একটু সেই না। কিন্তু আমরা ডরাই বানাই নাই, লকডাউন দেখে আমরা মাল বানাই নাই, মূর্তি বানানো হয় না, কম বানাইছি। কিন্তু বানাইলে ভালো পয়সা পাইলে মনে, কিন্তু বানাইতে পারি না, মানে সেল হইব না, সেল হইব না কই বানাই নাই। কিন্তু আশা করি এখন তো সেল হইতা আছে। সেল হইতাছে? হ্যাঁ। কিরকম রেঞ্জে মানুষ কিরকম চায়? ওই তো 300-400 এরকম করে বিক্রি হইতে। মানুষ কিরকম চায় মানে এরকম রেটে নেন? হ্যাঁ নে তো। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में पुलिस प्रशासन के उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली व दूसरे हस्तियों ने भारत के मिजोरम तथा असम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके का दौरा किया। गौरतलब है कि लालापुर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। अपने वक्तव्य में उच्च स्तरीय अधिकारियों ने संदर्भ में विस्तृत खुलासा किया और असम की जमीन मिजोरम द्वारा जबरन दखल किए जाने पर जो बातचीत चल रही है इस बात पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण प्रदान किया। মানে যে যে আসলো তারা সবাই মাতিল। আমরা পরে আসছি আমি কিছু প্রেম আইব সব। স্কুলত এক্সপ্লোজন যে কৈছে এই এক্সপ্লোজনটো লোকেল মানুহক টেৰৰাইজ কৰিবলৈ কৰা হৈছে বুলি এটা আমাৰ ভাৱ হৈছে। সেইকাৰণে মই SP শিলচৰক ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ যে এই এক্সপ্লোজন কেছত আনলফুল এক্টিভিটি প্ৰিভেনশ্যন অফ এক্টৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট চেকশ্যনছটো এড কৰাবলৈ এটা পিটিশন মাননীয় আদালতত দিব লাগে। এই চেকশ্যন এড হোৱা পিছত আৰু যিটোকে আমাৰ সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত এতিয়ালৈকে যিখিনি ওলাইছে আৰু যিটো কথা আমি SP কলাশিৱৰ লগতো পাতিছোঁ যে হয়তো যিখিনি মানুহে সেই
দুষ্কৃতিকারীয়ে এই এক্সপ্লোরিং করেছে তেওঁলোকে মিজোরামরও হব পারে। সেইকাৰণে আমি এটা আলোচনা কৰিছোঁ, আসাম পুলিচ হেডকোয়ার্টারের লগতো আলোচনা কৰিছোঁ। আনলফুল এক্টিভিটি এক্টর কেস হওয়ার কারণে আমি সেইটো এটা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থালৈ ট্রান্সফার করবলে রিকুয়েস্ট করবলে ডিসকাশন করেছোঁ। তার ফার্দার একশন কেনেকে কি হয় সেইটো মই গুৱাহাটী যোৱাৰ পিছত সেইটো একশন লওয়া হব। দেখা গৈছিল স্যার, আমার স্ট্যাচুটারি প্রভিজন এইখানে প্রভিজন গোটেখিনি ইউটিলাইজ করা হয়েছে, আর মই আশা করছো যে খুব সোনকালে এই ফোর্সটো রুদ্র হব। আর আমার যেটা কনস্টিটিউশনাল বাউন্ডারি আছে অসমৰ, সেই বাউন্ডারি সবে রেসপেক্ট করব। আমার অসমের মাটিটোকে যোৱা নাই আজি 10 দিন হৈ গল। যেটো কৈছো আপনি একটা প্রশ্ন বারে বারে কৰি আছে, এটা একটা স্ট্যাচুটারি আর একটা কনস্টিটিউশনাল প্রভিজনস আছে, মেকানিজম আছে, এইখানে ইউটিলাইজ করিয়ে এইখানে করা হব। এইখানে অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার টেক আপ করা হয়েছে, গভর্নমেন্ট সেইটার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, রেগুলার ইন্টারেকশন চলি আছে, আর যিখিনি আমার কর্মী আছে এইখানে আমি করে আছো। মূল আশা যে এটা খুব সোনকালে এটা হবে। স্কুলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, এই ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হব, ইনভেস্টিগেশন যে ওলাব সেটা আপনার আমি জানাই দিই। থ্যাংক ইউ। বরকলা বিধানসভা কেন্দ্র কে জানে মানে ব্যক্তিত্ব তথা সমাজসেবী শ্রী তুষার কান্তি চক্রবর্তী অব হমারে বীচ নেই রে। বুধবার দোপহর 12:14 পর শিলচর কে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মে দিল কা দৌরা পড়নে পর উনকা নিধন হো গয়া। উনকে নিধন পর পুরে বরকলা ক্ষেত্র মে লোগো কে বীচ দুঃখদ মাহল উভর কর আই হুই হে। এক আম আদমি কে সাথ সাথ সেবামূলক গতিবিধিও কে সাথ আপনে জীবন ভর উয়ে জুড়ে হুয়ে থে। সেবা কার্য কে সাথ সাথ কই অর পহলুও কে সাথ খাস কর পূজা পাঠ, লোগো কে समस्या का समाधान, लोगों से मुलाकात, उनकी परेशानियों की सुचारू रूप से समाधान व कई और समाज सेवा व उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्तित्व तुषार कांति चक्रवर्ती के निधन पर बोरखला विधानसभा केंद्र के हर एक क्षेत्र में गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने भी ऐसे व्यक्ति के निधन पर बोरखला क्षेत्र के बड़ी क्षति होने की जानकारी दी है। इस दिन उनके परिवार सदस्यों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। अपने मौत के पीछे हुए एक पुत्र, एक कन्या व पुत्र वधू पीछे छोड़ गए हैं। साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर बाजारी चौड़ा, काला चौड़ा, नेताजी पुलिस, सार्वजनिक कालीबाड़ी में आनंद उल्लास के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव पालन किया गया। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के बाद दशहरे के माहौल में भी बड़े पैमाने पर लोगों को जुटते दिखा गया। बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति में इस दिन प्रतिमा निरंजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कुल मिलाकर इस दुर्गोत्सव में गाँव के लोग जमकर बाजारी चौड़ा, काला चौड़ा, नेताजी पुलिस, सार्वजनिक कालीबाड़ी के दुर्गा पंडाल में अपने मनोरंजनपूर्ण कार्यक्रम को भी अंजाम दिए। सरकारी सभी अधिनियम को मानते हुए यह कार्यक्रम तथा दुर्गा पूजा महोत्सव पालन किया गया। কালাচরা, নেতাজি পল্লী, সর্বজনীন কালীবাড়ি, আজকে এখানে মহানবমী। আমরা এখানে সামাজিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা পূজা প্যান্ডেলে পূজা অর্চনা চলছে।
নবমীর এই সন্ধ্যা লগ্নে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে এখানে। আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছি, তৎসঙ্গে আমরা থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা করেছি এবং স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করেছি। সমাচারও কে অন্ত মে বরাক বার্তা কি সুরখিয়া একবার ফির विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग के अफसरों ने हफ्ता न मिलने पर व्यापारी को किया मारपीट, घायल हालात में चल रही है इलाज। पथारखंड विधानसभा केंद्र के सोनाखेड़ा पुलिस चेक गेट में आगर किया गया जब्त, फरार हुए व्यापारी। विष्णुप्रिया मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल गठन के मांग पर संगठन कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल रैली, जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। पथारकंडी कॉलेज के जाने माने अध्यापक डॉक्टर मंजूर हक को दिया गया संवर्धना, लोगों में छाई खुशी की माहौल। धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजन को लेकर पूरे देश में छाई हुई है खुशी की माहौल। सामानों की कीमतें आसमान छूने पर ग्राहक झेल रहे हैं परेशान। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र में कानून उल्लंघन किए जाने पर असम की जमीन गया मिजोरम की हिरासत में, उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं की बातचीत हुई बेकार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही, नमस्कार।